हैं। ओके, फेमिनिज्म को हम एक मूवमेंट और एक आइडियोलॉजी दोनों तरीके से देख रहे हैं। फेमिनिज्म को हमने एक मूवमेंट की तरह समझा, एक आइडियोलॉजी की तरह हमने अभी तक लिबरल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म को देखा। इस वीडियो में हम रेडिकल फेमिनिज्म को समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक हम कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इस वीडियो के एंड तक दे पाएं। व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म, पेट्रियार्की क्या है, ओके, जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, कल्चरल फेमिनिज्म क्या है, और लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये आप जान सकते हैं इस वीडियो के एंड तक। ओके, तो शुरू करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म के साथ। देखिए, 1960s तक कोई भी डिस्टिंक्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फेमिनिस्ट थिंकिंग थी वो या तो लिबरलिज्म से कॉन्सेप्ट्स को बोरो कर रही थी या तो सोशलिज्म से कॉन्सेप्ट्स को बोरो कर रही थी वुमेन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 1960s का ये जो दौर था, इसमें कुछ फेमिनिस्ट आई और उन्होंने कहा कि ना तो लिबरलिज्म और ना तो सोशलिज्म, ये दोनों आइडियोलॉजीज तो हैं, ये वुमेन के प्रॉब्लम को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो एग्जिस्टिंग फेमिनिस्ट थिंकिंग थी, दैट मीन्स कि जो लिबरल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म की जो विचारधारा चल रही थी, इस विचारधारा की क्रिटिसिज्म में कुछ फेमिनिस्ट आ गई और इन्होंने कहा कि हम लिबरलिज्म या सोशलिज्म के बेसिस पर वुमेन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वुमेन के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म और सोशलिज्म, ये आइडियोलॉजीज जो हैं ये मेन पुरुषों के द्वारा बनाई गई हैं, और पुरुष जो है, मेन जो है, इन आइडियोलॉजीज को बनाते वक्त, इन आइडियोलॉजीज को डिज़ाइन करते वक्त इस बात को सुनिश्चित किए हैं कि जो वुमेन है वो हमेशा समाज में एक सबॉर्डिनेटेड पोजिशन में रहे। ओके, तो ये मैन मेड आइडियोलॉजीज को यूज़ करके हम वुमेन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इन आइडियोलॉजीज के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, जो बेसिक अजम्पशन है, वो यही है कि समाज में मेल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखा जाए और जो वुमेन है, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, उन्हें जो उनका पोजीशन है, दैट मींस कि जो सबॉर्डिनेट पोजीशन है, उसी पोजीशन में रखा जाए। ठीक है, तो लिबरलिज्म और सोशलिज्म को इस तरह से कुछ फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। उन इनके अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक थ्योरी की ज़रूरत है जो वुमेन के ऑपरेशन को, उनके उत्पीड़न को एक्सप्लेन करे, वुमेन के ऑपरेशन, उनके उत्पीड़न को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टमैटिक थ्योरी की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है कि ये जो थ्योरी है या ये जो आइडियोलॉजी है, ये स्वयं, ये खुद वुमेन से ही ओरिजिनेट होने चाहिए, खुद उनसे ही ओरिजिनेट होने चाहिए कि जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, खुद उनसे ही ये आइडियोलॉजी, ये थ्योरी निकल कर आनी चाहिए। कोई थर्ड पर्सन जो है वो वुमेन के कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई आइडियोलॉजी या कोई थ्योरी ना दे। वुमेन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो खुद अपने बात को रखेंगी, खुद वो थ्योरी डेवलप करेंगी, आइडियोलॉजी डेवलप करेंगी अपने प्रॉब्लम को समझने के लिए। तब क्या होगा कि ये जो थ्योरी है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये बायस्ड नहीं होगा। ओके, लिबरलिज्म और सोशलिज्म का जो थ्योरी और आइडियोलॉजी है ये बायस्ड होता है। इन रेडिकल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग ये बायस्ड है मेल पुरुषों की ओर, ये बायस्ड होता है, पार्शियलिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो जरूरत थी एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी की जो कि वुमेन से ओरिजिनेट हो और वुमेन के कंडीशन को वो एक्सप्लेन करे। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो इसी तरह का एक आइडियोलॉजी है। ओके, जो ना तो फेमिनिज्म, ना तो लिबरलिज्म से कॉन्सेप्ट को बोरो करता है और ना ही सोशलिज्म से कॉन्सेप्ट को बोरो करता है। ये एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी है, एक इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो इंडिपेंडेंटली नए तरीके से वुमेन के कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है समाज में, वुमेन के प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश करता है नए तरीके से, बिना लिबरल फेमिनिज्म के या लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को बोरो किए, बिना सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को बोरो किए। ओके, तो रेडिकल फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग वुमेन्स ऑप्रेशन जो है, महिलाओं का जो उत्पीड़न है, इसके पीछे जो रूट कॉज है वो क्या है, वो पेट्रियार्की है। देखिए, रेडिकल फेमिनिज्म में जो वर्ड रेडिकल है, रेडिकल का मतलब भी होता है रूट, मूल।
तो रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिस्ट सबसे पहले रूट काउस को ढूंढती हैं, वुमेन्स ऑपरेशन, महिलाओं के उत्पीड़न का रूट काउस। और रूट काउस क्या है इनके अकॉर्डिंग? पेट्रियार्की, पितृसत्ता। ओके, तो देखते हैं कि पेट्रियार्की का मतलब क्या है। पेट्रियार्की का मतलब बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, मेल डोमिनेंस, मेल सुपरमेसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। सिर्फ मेल डोमिनेंस या मेल सुपरमेसी कहना इनफ नहीं है, मेल डोमिनेंस और मेल सुपरमेसी समाज के हर क्षेत्र में। ओके, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर क्षेत्र में, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें या बिजनेस की बात करें, हर क्षेत्र में आपको पुरुष प्रधानता नजर आएंगी, मेल डोमिनेंस आपको नजर आएगा, इसे ही हम पेट्रियार्की कहते हैं। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई रेडिकल फेमिनिस्ट्स को, ये बात तो समझ में आ गई कि वुमेन के ऑपरेशन का, उनके उत्पीड़न का जो रूट कॉज है वो है पेट्रियार्की, और पेट्रियार्की का मतलब है मेल डोमिनेंस, मेल सुपरमेसी समाज के हर क्षेत्र में, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि ये जो मेल डोमिनेंस है, ये जो मेल सुपरमेसी है, ये मेंटेन कैसे किया जाता है, किस तरह से पेट्रियार्की जो है सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखती है। अगर हम इस बात को समझ ले, अगर हम उस मैकेनिज्म को समझ ले जिसके द्वारा मेल डोमिनेंस, मेल सुपरमेसी को मेंटेन करके रखा जाता है समाज में, तो हम मेल डोमिनेंस या इस मेल सुपरमेसी को खत्म कर सकते हैं। तो दूसरा जो फोकस था रेडिकल फेमिनिस्ट का, वो इस बात के ऊपर था कि किस तरह से पेट्रियार्की अपने आप को मेंटेन करता है, वो कौन से मैकेनिज्म है। तो दो बातें यहां पर निकल कर सामने आती हैं रेडिकल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग, कि ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से जो मेल डोमिनेंस है समाज में वो मेंटेन करके रखा जाता है। और ये तरीका क्या है? पहला जो तरीका है वो ये कि सेक्स को जेंडर से लिंक कर दिया जाए। हम देखेंगे अभी कि सेक्स और जेंडर क्या है। सेक्स को जेंडर से लिंक कर दिया जाए, इन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लगे कि सेक्स और जेंडर ये दोनों एक ही चीज है, सिनोनिमस है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ओके, ये पहला तरीका था। और दूसरा तरीका क्या है कि वुमेन को, महिलाओं को प्राइवेट स्फीयर तक ही कन्फाइन करके रखा जाए, उन्हें निजी क्षेत्र तक ही उन्हें रखा जाए, उन्हें पब्लिक स्फीयर में आने नहीं दिया जाए। तो ये दो, इन दो लॉजिक के साथ पेट्रियार्की जो है वो ऑपरेट करती है। ओके, और मेल डोमिनेंस को, मेल सुपरमेसी को मेंटेन करके रखती है समाज में। तो आइए देखते हैं इन दोनों रीजंस को एक एक करके किस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले सेक्स को जेंडर से लिंक करके देखना, पेट्रियार्कल सोसाइटी में सेक्स और जेंडर इन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है, सेपरेट नहीं होता ये, याद रखिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी में सेक्स और जेंडर, लिंग और जेंडर ये सेपरेट नहीं होता है, इन्हें एक ही समझा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्स और जेंडर से हम क्या समझते हैं अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट। ठीक है, सेक्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी यहां पे आपको समझना होगा, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी दैट मींस उसके फिजिकल फीचर के बेसिस पे, उसके एनाटॉमिकल फीचर, उसके शारीरिक संरचना के आधार पर जो उसकी पहचान बनती है वो है उसका बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। दैट मींस कि आप तो आप मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, बॉय या तो गर्ल। ओके, ये आपकी क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। जेंडर का मतलब होता है आपकी सोशल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। अब सोशल कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? देखिए, समाज जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखता है। अगर आप एक पुरुष हैं, अगर आप एक लड़के हैं, यदि आप एक मेल हैं, तो आपसे कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट की जाएंगी। समाज जो है वो आपसे कुछ बिहेवियर्स को एक्सपेक्ट करेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, राधा इज क्यूट बट राम इज स्ट्रांग। देखिए, इस सेंटेंस में जेंडर सेक्स की जो बात है वो एकदम क्लियरली नजर आ रही है। राधा, ये इस इंडिविजुअल के, इस पर्सन के बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को डिनोट करता है। राधा से हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो एक फीमेल है, एक लड़की है। अभी देखिए, उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है, राधा इज क्यूट। ओके, राधा इज क्यूट, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राधा, क्योंकि वो लड़की है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्यूट होगी। राम, यहां पे देखिए, राम जो शब्द है
ये एक उसके बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को डिनोट करता है इस पर्सन के. तो राम जो है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी सेक्स को डिनोट कर रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है ये एक मेल है. ये एक मेल है. और इसके बाद जो बात कही जा रही है, राम इज स्ट्रांग, जो स्ट्रांग स्ट्रांग होने की जो बात है, ये वो एक्सपेक्टेशन है, वो सोशल रोल है, वो बिहेवियर है जो सोसाइटी राम से एक्सपेक्ट कर रही है. क्लियर. तो क्यूटनेस और स्ट्रेंथ ये क्या है? ये सोशल रोल्स हैं, ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, इसे हम जेंडर कहते हैं. और जब इन सोशल रोल्स को हम लिंग के आधार पर देखते हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई लड़की है तो उसे क्यूट होना है, अगर कोई लड़का है तो उसे स्ट्रांग होना है. तो इसी को कहते हैं कि सेक्स और जेंडर को जोड़कर देखना. यही प्रॉब्लम है पेट्रियार्कल सोसाइटी में. तो सोसाइटी देखिए, दो तरह के गुण, दो तरह के सोशल बिहेवियर्स होते हैं समाज में, दो तरह के. एक होता है फेमिनिन ट्रेट और एक होता है मैस्कुलिन ट्रेट. जितने भी सोशल बिहेवियर हैं, सोशल रोल्स हैं, समाज जो है वो उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करता है. फेमिनिन ट्रेट जैसे सुंदरता, ये क्या है? फेमिनिन ट्रेट है. इमोशनल होना, ये फेमिनिन ट्रेट है. इमोशनल होना, ये फेमिनिन ट्रेट है. लविंग होना, केयरिंग होना, सॉफ्ट होना, ये सारे फेमिनिन ट्रेट है. मैस्कुलिन ट्रेट, स्ट्रांग होना, एग्रेसिव होना, ठीक है, मस्कुलर होना, ये सारे मैस्कुलिन ट्रेट है. ये सारे मैस्कुलिन ट्रेट है. अब फेमिनिन ट्रेट क्या है? ये एक सेट ऑफ जेंडर, ये एक सेट ऑफ सोशल रोल्स है, ये एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है जो सोसाइटी ने बनाया है. मैस्कुलिन ट्रेट क्या है? ये एक क्वालिटीज का, एक सोशल रोल्स का एक सेट है जो सोसाइटी ने बनाया है. और जब हम फेमिनिन ट्रेट को फीमेल से जोड़ देते हैं, जब हम फेमिनिन ट्रेट्स को फीमेल से जोड़ देते हैं, तो जो कैटेगरी का निर्माण होता है वो होता है वुमेन, जेंडर. तो यहां पे देखिए, जो सेक्स है, जो आप, जो जब आपके बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के साथ आपका जो सोशल रोल है उसे जोड़ दिया जाए, उसे जोड़कर देखा जाए, तो एक नई कैटेगरी के निर्माण होती है, वो उसे हम कहते हैं जेंडर. तो एक फीमेल है तो ये कंफर्म है कि उन उस फीमेल में फेमिनिन ट्रेट्स ही होने चाहिए, तभी जाकर वो वमेन बनेगी. अगर एक मेल है तो जरूरी है कि इस मेल के पास मैस्कुलिन ट्रेट होने चाहिए. अगर मैस्कुलिन ट्रेट है इस मेल के पास, तब जाके ये मैन बनेगा. वमेन और मैन, ये जेंडर है. अब यहां पे देखिए, अगर आप फीमेल है तो आप में मैस्कुलिन ट्रेट अगर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समाज आपको अलग नजर से देखने लगेगा. अगर आप मेल हैं और आप में फेमिनिन ट्रेट आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समाज आपको अलग नजर से देखने लगेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज ये मानता है कि यदि आप फीमेल हैं तो आप में फेमिनिन ट्रेट्स ही होने चाहिए. इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू बी क्यूट. अगर आप एक लड़की है तो आपको क्यूट होना है, आप स्ट्रांग नहीं हो सकते. और समाज ये मानता है कि अगर आप एक मेल है तो आप में मैस्कुलिन ट्रेट ही होना चाहिए, तभी जाकर आप मैन के कैटेगरी में फिट बैठोगे. दैट मीन्स अगर आप मेल हैं तो आपको स्ट्रांग होना है. इफ यू आर राम देन यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू कैन नॉट बी क्यूट. राम इज क्यूट, राधा इज स्ट्रांग, ये सेंटेंस जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो जब हम बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के साथ जो सोशल आइडेंटिटी है उसको जोड़ कर देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि बिकॉज यू आर फीमेल यू हैव टू हैव फेमिनिन क्वालिटी, क्योंकि आप फीमेल हैं आपके भीतर ये फेमिनिन क्वालिटीज होनी ही चाहिए, जब हम ये कहते हैं तभी जाकर आप वुमेन बनेंगे. जब हम ये कहते हैं कि इफ यू आर अ मेल आपके भीतर मैस्कुलिन क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के भविष्य को, एक इंडिविजुअल के फेट को, कि एक इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए समाज में, कैसा उसे व्यवहार करना चाहिए. इसी को बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं. जब आपके सोशल रोल्स आपके लिंग के आधार पर निर्धारित हों, जब आपकी सामाजिक जो जिम्मेदारी है, सामाजिक भूमिका है, वो आपके लिंग के आधार पर डिसाइड की जाए,
जब आपके सोशल रोल आपके सेक्स के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, तो इसे ही बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, और पेट्रियार्कल सोसाइटी इसी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पर बेस्ड होती है। बायोलॉजी इज डेस्टिनी, दैट मीन्स कि आपका जो लिंग है वो ये तय करता है कि आप समाज में किस स्थिति में होंगे, किस पोजिशन को आप एक्वायर करने वाले हैं सोसाइटी में। ओके, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। मगर ये जो आइडिया है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के, इस आइडिया को चैलेंज किया गया रेडिकल फेमिनिस्ट के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सेक्स और जेंडर के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो साइमन डी बेवॉयर कहती हैं। देखिए, साइमन डी बेवॉयर ने अपनी किताब द सेकेंड सेक्स 1949 में ये लिखा, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। यहाँ पे देखिए, वो यही कहना चाह रही है कि आप एक फीमेल की तरह जन्म लेते हैं, आप एक वुमेन की तरह जन्म नहीं लेते हैं। फिर सोसाइटी आपके ऊपर फेमिनिन ट्रेट्स को इम्पोज करता है, फेमिनिन ट्रेट्स को इम्पोज करता है, आपको सिखाता है फेमिनिन ट्रेट्स, और फिर जाकर आप वुमेन बनते हैं। तो मेरा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखिए, साइमन डी बेवॉयर की ये जो स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का जी जो आइडिया है, इसे रेडिकल फेमिनिस्ट चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, जो जेंडर रोल्स हैं वो आर्टिफिशियली और कल्चरली क्रिएट किए जाते हैं जेंडर सोशलाइजेशन के माध्यम से। आप एक फीमेल की तरह जन्म लेते हो, आप एक मेल की तरह जन्म लेते हो। जब आप जन्म लेते हो तो आपके पास ना तो फेमिनिन ट्रेट होता है ना तो मैस्कुलिन ट्रेट होता है। सोसाइटी आपको सिखाती है फेमिनिन ट्रेट्स और मैस्कुलिन ट्रेट, और सिखा के आपको एक मैन या वुमेन में कन्वर्ट करती है। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, मैन और वुमेन बनने का ये जो प्रक्रिया है ये आर्टिफिशियल है। जेंडर सोशलाइजेशन के तहत ये होता है। जेंडर सोशलाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले घर पे होती है, फैमिली के भीतर। बिना जाने हम इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बच्चे बच्चे अगर अगर आप खिलौने लेकर जाते हैं, या कोई एक पिता या माता अपने बच्चों के लिए जब खिलौने लेकर जाता है, उनका एक बेटा है एक बेटी है, तो वो क्या करेंगे? जो बेटा है उसके लिए वो क्या लेकर जाएंगे? ट्रक, बंदूकें, ये लेकर जाएंगे। और जो बेटी है उसके लिए वो क्या लेकर जाएंगे? डॉल, गुड़िया, किचन सेट, ये लेकर जाएंगे। तो क्या हो रहा है? जेंडर सोशलाइजेशन की शुरुआत हो रही है। जो बच्चा है, जो जो लड़का है, उसे कौन से टॉयज दिए जा रहे हैं? वैसे टॉयज जो मैस्कुलिन ट्रेट को शो करते हैं। और जो लड़की है उसे कैसे टॉयज दिए जा रहे हैं? वैसे टॉयज जो फेमिनिन ट्रेट्स को शो करती हैं। ओके, तो जेंडर सोशलाइजेशन की शुरुआत परिवार के साथ होती है, परिवार के भीतर होती है, और यहीं से जो सिलसिला है वो निकल पड़ता है। और बाद में जाकर आप इतने अधिक सोशलाइज्ड हो जाते हो कि इस चीज़ को हम नेचुरल मानने लगते हैं कि मैं एक मेल हूँ तो मुझ में मैस्कुलिन क्वालिटी है, दिस इज़ नेचुरल। और यही तो टारगेट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी यही तो चाहता है कि आप अपने सेक्स और जेंडर को नेचुरल समझें, आप इस बात को नेचुरल समझें। और जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो यही तो चाहती हैं कि ये जो आर्टिफिशियल है इसे हम नेचुरल नहीं समझे, इस बात को हम समझें कि ये आर्टिफिशियल है। अगर आप फीमेल हैं तो आप में भी मैस्कुलिन ट्रेट्स हो सकती हैं, अगर आप मेल हैं तो आप में फेमिनिन ट्रेट्स भी हो सकती हैं, यही बात तो आपको समझाना है, ठीक है? तो जेंडर रोल्स जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, ये रेडिकल फेमिनिस्ट ने कहा। और आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, कोई भी चीज़ अगर आर्टिफिशियली क्रिएट होता है तो उसे चेंज किया जा सकता है। नेचुरल चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। आपके जो लिंग है, आपका जो सेक्स है, आपकी जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है वो नेचुरल है, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो जेंडर आइडेंटिटी है वो तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना, तो हम उसे बदल सकते हैं। और हमें क्यों बदलना है? क्योंकि ये जो जेंडर रोल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटी का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वुमेन के डिसएडवांटेज में काम करता है, वुमेन के डिसएडवांटेज में ये काम करता है, और मेल को वो एक एडवांटेजियस पोजीशन देता है एज कंपेयर टू वुमेन। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, समाज में जेंडर के आधार पर डिविजन ऑफ लेबर होता है। डिविजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन जेंडर के आधार पर होता है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जेंडर रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, वुमेन और मेन के बीच में, किस तरह से ये वुमेन को डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रखता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि समाज में जो लेबर है, जो श्रम है, उसका जेंडर के आधार पर डिवीजन होता है। मैन जो पुरुष है उसे पब्लिक स्फीयर दिया जाता है,
क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष जो में मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होती हैं, और मैस्कुलिन क्वालिटी ही ज़रूरी है पब्लिक स्फीयर में सर्वाइव करने के लिए। तो पब्लिक स्फीयर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, बिजनेस, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, इन्हें मैन तक ही सीमित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए मैस्कुलिन ट्रेट की ज़रूरत है। आपको कॉम्पिटिटिव होना होगा, आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको एग्रेसिव होना होगा। अगर आपको पब्लिक स्फीयर में सर्वाइव करना है तो कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस, ओके, स्ट्रेंथ, ये सारे मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं। और बाय नेचर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ किस में मिलते हैं? मैन में मिलते हैं, एक पुरुष में मिलते हैं। इसीलिए पब्लिक स्फीयर किसे डिनोटेड है, किसके लिए है? पुरुष के लिए, एक मैन के लिए। उसी तरह वुमेन जो है उन्हें प्राइवेट स्फीयर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्फीयर में जिस तरह के काम की ज़रूरत है, वो क्वालिटीज़ जो है वो वुमेन में होती है, वो फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है, केयरिंग, नर्चरिंग। क्योंकि यदि आपको हाउस होल्ड वर्क करना है, बच्चों को पालना है, तो आपको केयरिंग होना होगा, आपको नर्चरिंग होना होगा, आपको कोऑपरेटिव होना होगा, आपको लविंग होना होगा। और ये सारे क्वालिटीज़, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग, ये सारे क्वालिटीज़ फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। और ये फेमिनिन क्वालिटीज़ किन में मिलेंगे? वुमेन में मिलेंगे, इसलिए इन्हें प्राइवेट स्फीयर दे दिया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है समाज में। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये वुमेन के अगेंस्ट कैसे काम करता है? देखिए, जितने भी पब्लिक स्फीयर के जॉब हैं, काम हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना हो, बिजनेस हो, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, ये सब पेड होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये सब पेड होंगे। अब जब आपको आपके काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, ओके, तो आप जिस पोजिशन में होंगे वो पावर पोजिशन होगा। ओके, ये जितने भी वर्क होते हैं पब्लिक स्फीयर के, जितने भी वर्क होते हैं, इनमें पावर इन्वॉल्व होता है। ये आपको पावर देते हैं, डोमिनेंस की पोजीशन में आप लाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पॉलिटिक्स में होंगे तो आपके पास पावर होगा, अगर आप बिजनेस में हैं, आप पैसे अर्न कर रहे हैं, तो आपके पास मनी पावर होगा। मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, अब इन स्फीयर में अगर आप एक्टिव हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर आएगा। तो जितने भी पावरफुल स्फीयर्स थे उन्हें मेन को एलोकेट कर दिया गया, ऑब्वियसली बात है। और अगर आप हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, चाइल्ड रियरिंग कर रहे हैं, फैमिली में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपका तो सबसे पहले जो काम है वो अनपेड है। एक महिला के लिए जो काम वो करती हैं, उनके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रहा है कि आपको पैसों के लिए अब पुरुषों पर निर्भर होना होगा, क्योंकि पुरुष जो है, मैन जो है, वो सारा वो काम कर रहे हैं जो कि पेड है। ओके, ऑब्वियसली यहीं से डिपेंडेंसी की शुरुआत होगी। पैसों के लिए आपको पुरुषों पर निर्भर करना होगा। और ये जो वर्क है, हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पे पावर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पावर नहीं मिलता। तो महिलाएं जो काम करती हैं, वो पहले तो बात वो अनपेड होती हैं, और उनका जो नेचर है वर्क का, वो पावर इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए इनके पास पावर नहीं होता, और इसलिए ये डोमिनेटेड होती हैं सोसाइटी में। तो ये पूरा का पूरा स्कीम है। जो दूसरा रीज़न हमने देखा कि महिलाओं को प्राइवेट स्फीयर तक ही सीमित रखना, वो यहीं से बात आती है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें वैसे ही काम देना चाहते हैं जहाँ पे पावर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ओके, जो अनपेड हो, और इसके लिए हम उन्हें प्राइवेट स्फीयर में ही सीमित रखते हैं। और ये जो प्राइवेट स्फीयर में सीमित रखने वाली जो बात है, ये जेंडर डिविजन ऑफ लेबर से आती है। ओके, तो इस तरह से रेडिकल फेमिनिस्ट ने वुमेन के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये तो है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? अब वुमेन, रेडिकल फेमिनिस्ट ने समझ लिया कि ये है प्रॉब्लम, वुमेन के सफरिंग के पीछे ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? दो अप्रोच अपनाती हैं। रेडिकल फेमिनिज्म भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो पार्ट है रेडिकल फेमिनिज्म का, वो थोड़ा मॉडरेट अप्रोच अपनाती हैं। इनका कहना है कि हमें सेक्स और जेंडर को डीलिंक करना होगा। सबसे पहला अप्रोच है सेक्स और जेंडर को आप डीलिंक करो, इसे सेपरेट करो। जितनी भी रेडिकल फेमिनिस्ट हुई, साइमन डी बेवॉयर, उन्होंने कहा कि सेक्स और जेंडर एक दूसरे से अलग है। सेक्स नेचुरल है, जेंडर आर्टिफिशियल है। जेंडर आर्टिफिशियल है इसीलिए इसे क्रिएट किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केट मिलेट, शोलामिथ फायरस्टोन, ये जितनी भी फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने इसी बात पर फोकस किया कि सेक्स और जेंडर को हमें डीलिंक करने की ज़रूरत है। ओके, जितने भी मेल बायस है सोसाइटी में, दैट मीन्स जहाँ जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ जहाँ भी मेल बायस है, ये पार्शियलिटी है मेल के बेसिस पे, मेल को जहाँ जहाँ भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उन्हें हमें खत्म करना है। हमें एक जेंडरलेस समाज की स्थापना करनी है। ये मॉडरेट अप्रोच था रेडिकल फेमिनिस्ट का। और इसके लिए इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया कि महिलाओं को एकजुट होना होगा। और महिलाएं एकजुट कैसे होंगी? जब उनके बीच कुछ कॉमन होगा तभी तो वो एकजुट होंगी।
रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं कि हाँ उनके बीच कॉमन है, ये जो उनका एक्सपीरियंस है मेल डोमिनेंस का, ये जो उनका एक्सपीरियंस है पेट्रियार्कल सोसाइटी में डोमिनेटेड होने का, ये जो उनका एक्सपीरियंस है ये कॉमन है, ये दुनिया की हर महिला में लागू होता है, हर दुनिया की हर महिला, हर महिला, चाहे वो इंडिया की हो, चाइना की हो, जापान की हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, चाहे कहीं की भी हो, हर वमेन जो है वो जेंडर के बेसिस पे ऑपरेशन को एक्सपीरियंस करती हैं। उनके लिए यही बातें लागू होती हैं कि उन्हें प्राइवेट स्फीयर दिया जाएगा, उनके लिए फेमिनिन क्वालिटीज़ जो हैं वो तय किए जाएंगे, ओके, और वो डिसएडवांटेज्ड होंगी। तो अपने इस शेयर्ड एक्सपीरियंस के आधार पर, जेंडर ऑपरेशन के इस शेयर एक्सपीरियंस के आधार पर, रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं कि वुमेन को एक ग्रुप में यूनाइट हो जाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, सिस्टरहुड की वो बात करती हैं, सिस्टरहुड इज पावरफुल, ये स्लोगन था, ये स्लोगन था रेडिकल फेमिनिस्ट का। और जब ये एक ग्रुप की तरह यूनाइट हो जाएंगी तब ये फिर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी एज अ यूनाइटेड ग्रुप, और फिर ये समाज में बदलाव लाएंगी। ये मॉडरेट अप्रोच है रेडिकल फेमिनिज्म का। लेकिन एक और अप्रोच है, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, ये रेडिकल फेमिनिज्म का दूसरा भाग है, एक्सट्रीम अप्रोच। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा बात अलग हो जाता है। रेडिकल फेमिनिस्ट, कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं, जिन्हें हम डिफरेंस फेमिनिज्म या कल्चरल फेमिनिस्ट कहते हैं, कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं कि वुमेन की जो क्वालिटीज होती हैं, फीमेल वैल्यूज जो होती हैं, वो पुरुषों से अलग होती हैं। वुमेन जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट होती हैं मेन से, और ये जो डिफरेंस है इसमें कुछ खराब नहीं है। वुमेन में जो क्वालिटीज है वो सुपीरियर होती हैं मेन के क्वालिटीज से, जो वुमेन का क्वालिटी है वो सुपीरियर होता है। इसीलिए महिलाओं को अपने क्वालिटीज, जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं, इनकी बात अभी हम कर रहे थे, उनमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जो फीमेल वैल्यूज है, उन्हें अपहोल्ड करने की जरूरत है, ओके, कल्चरल, उन्हें अपहोल्ड करने की जरूरत है। फीमेल वैल्यूज को हमें, उन्हें अपहोल्ड करने की जरूरत है, उन्हें सेलिब्रेट करने की जरूरत है, उन्हें हम इग्नोर करने की जरूरत नहीं, उन्हें अबैंडन करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट वुमेनहुड को सेलिब्रेट करती है, वो कहती है कि वुमेन और मैन ये फंडामेंटली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेन में जो क्वालिटीज होती हैं और वुमेन में जो क्वालिटीज होती है, अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो वुमेन की जो क्वालिटीज है, फीमेल वैल्यूज जो है, फीमेल क्वालिटीज जो है वो सुपीरियर है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ओके, कोऑपरेटिंग, ये सारी फीमेल वैल्यूज है और ये सुपीरियर है। ओके, मेल, मेन जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो इमोशनलेस होते हैं, लेकिन वुमेन वो इमोशनल होती हैं, ओके, वो लविंग होती है, केयरिंग होती हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें अबैंडन क्यों करें? एक जेंडरलेस सोसाइटी की कामना ये फेमिनिस्ट नहीं करती, ये कहती है कि वुमेन के क्वालिटी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बात करती है गायनोसेंट्रिज्म की, ये कहती है कि गायनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि जो वुमेन की जो क्वालिटीज़ है, फीमेल वैल्यूज़ हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी तक समाज में मेल वैल्यूज को प्राथमिकता दी जाती रही है। ये जो डिफरेंस फेमिनिज्म है, ये जो कल्चरल फेमिनिज्म है, इनके अकॉर्डिंग समाज में दो तरह के कल्चर होते हैं, एक विजिबल कल्चर और एक इनविजिबल कल्चर। जो विजिबल कल्चर है वो मेल कल्चर होता है, दैट मीन्स कि मेल क्वालिटीज जो है वही समाज को रूल कर रही होती हैं। मेल क्वालिटीज, मेल क्वालिटीज, मेल कैरेक्टर जो है वो समाज को रूल कर रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, समाज में अगर मेल डोमिनेंस है तो जो मेल वैल्यूज होंगे वही समाज में रूलिंग वैल्यूज होंगे, रूलिंग कल्चर होंगे। लेकिन जो इनविजिबल कल्चर है वो है वुमेन कल्चर, जो फीमेल वैल्यूज है वो इनविजिबल कल्चर बनाती है। तो ये जो कल्चरल फेमिनिज्म का मतलब यही है कि जो वुमेन फीमेल वैल्यूज है उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें आगे लाया जाए, मेल कल्चर को रिप्लेस किया जाए वुमेन कल्चर से, फीमेल वैल्यूज को रिप्लेस किया जाए फीमेल वैल्यूज से। ओके, तो ये है कल्चरल फेमिनिज्म और ये एक्सट्रीम अप्रोच है। इनका कहना है कि एक हमें सेपरेट स्फीयर बनाने की जरूरत होती है, समाज में मैट्रियार्की इस्टैब्लिश करने की जरूरत है, ओके, पेट्रियार्की को हटा के मैट्रियार्की इस्टैब्लिश करने की जरूरत है। ये एक्सट्रीम अप्रोच है, ये एक्सट्रीम अप्रोच है, ठीक है। तो ये था कल्चरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म का ये एक पार्ट। कल्चरल फेमिनिज्म से ही इको फेमिनिज्म निकल कर सामने आएगा, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इको फेमिनिज्म को समझने के लिए। यहाँ तक हम रेडिकल फेमिनिज्म को लिमिट करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। इस वीडियो में हमने रेडिकल फेमिनिज्म को समझने की कोशिश की, ओके, कल्चरल फेमिनिज्म, डिफरेंस फेमिनिज्म को हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ और टॉपिक्स के साथ। फेमिनिज्म का हमारा ये जो कोर्स है वो यहीं पे एंड होता है। दो और वीडियोस आएंगे जो कि सप्लीमेंट्री वीडियो होंगे। ओके, फेमिनिज्म के इस कोर्स के दो सप्लीमेंट्री वीडियो होंगे, लेकिन फेमिनिज्म हमारा कोर्स ये यहीं पे एंड करता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं।